हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सुबह का टाइम है और ठंड भी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि अब तो जनवरी आने ही वाला है, तो जाहिर सी बात है ठंड तो बढ़ ही गई। और दोस्तों, घड़ी में 7:30 बज गए हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत लेट से, इतना लेट से तो मैं उठती हूँ, लेकिन कम से कम मुझे 8 बजे तक उठ जाती हूँ। कितनी भी ठंडी हो, 8 बजे तक उठ जाती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरे तरफ से हैप्पी हैप्पी क्रिसमस डे। आज है 25 दिसंबर। तो दोस्तों, बस जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बस जुड़े रहिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, देख सकते हैं मैं अभी कंबल में हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी उठी हूँ नहीं हूँ। सोची सबसे पहले आप लोग को विश कर देती हूँ क्रिसमस डे। तो दोस्तों, देख सकते हैं फाइनली मैं नहा धोवा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। कुछ नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, रोटी, क्योंकि ठंडी के मौसम में चावल खाने का मन नहीं करता है। थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं ठंडी के मौसम में ज़्यादा रोटी बनाती हूँ, और सब लोग को यही पसंद है रोटी। तो बस चलिए, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अभी किचन की सफाई भी नहीं की हूँ और जा रही हूँ करने। दोस्तों जुड़े रहिएगा, तब तक मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं किचन की सफाई कर ली और नाश्ते भी बना ली। देख सकते हैं मैं किचन की सफाई हो चुका है मेरा, और अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े को डाल देने, ताकि धूप भी बहुत अच्छी है, सूख जाए, क्योंकि ठंड के मौसम में कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी तो थोड़ी बहुत धूप हो भी रही है, तो कोई उतना प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा। फाइनली दोस्तों, मैं छत पे आ गई हूँ। तो दोस्तों, शाम का टाइम है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। देख सकते हैं मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं लाइट जला लेती हूँ, ये देख सकते हैं। और खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है और ठंड का मौसम में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो सबसे पहले मैं आलू को उबाल लूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आलू को चढ़ा दी उबालने के लिए, और ये धनिया पत्ता, इसको मैं तोड़ लेती हूँ बारीकी से। तो दोस्तों, मैं ये तोड़ लेती हूँ धनिया पत्ता। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती होगी तो। ये देख सकते हैं धनिया पत्ता को तोड़ रही हूँ।
तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता को अच्छे से बारीकी से तोड़कर इसे धो भी ली हूँ। और यहाँ पे लहसुन मिर्ची प्याज है, इसका मैं आलू का चटनी बनाऊँगी। और ये देख सकते हैं यहाँ पे दो नींबू भी ली हूँ। यहाँ पे मैं पैन चढ़ा दी हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सरसों डाल दे रही हूँ, देख सकते हैं। क्योंकि चटनी में बनाने में जे तेल तो ज़्यादा ही थोड़ा रहता ही है, इसीलिए मैं देख सकती हूँ आप लोग। और यहाँ पे आलू भी उबल चुका है और इसे मैं छील ली हूँ। अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, ये चटनी बन चुका है आलू का। और यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, इसमें मैं पराठा के लिए आलू भूनूंगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और ये तो मेरा छोटा सा वीडियो है, अगर आप लोग को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।